खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य परसराम सैनी ने बताया कि इस टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 टीमें भेजी गई थी। खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य परसराम सैनी ने बताया कि आज स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के बच्चों को टीके लगाए गए। परसराम सैनी ने बताया कि इसके लिए विभाग की तरफ से 2 टीमें भेजी गई थी और स्कूल की तरफ से अध्यापक की ड्यूटी भी लगाई गई थी, ताकि इस अभियान को सही तरीके से पूरा किया जा सके। हमारे विद्यालय में आज खसरा और रुबेला के टीके लगाए जा रहे हैं। और सुबह ठीक 9:30 बजे जनरल हॉस्पिटल मंडी से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 टीम्स इस विद्यालय को भेजी गई हैं, तो हमने 2 अलग अलग स्थानों पर बच्चों को टीका लगवाने की व्यवस्था कर रखी है और बच्चे अनुशासन में रहें, बच्चों को कोई घबराहट ना हो, तो हमने साथ में टीचर्स भी डेप्यूट किए हुए हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के ना घबरा जाए। कई बार किसी को कोई इंजेक्शन सूट नहीं करता या बच्चे का हल्का फुल्का वो डिस्टर्ब होता है तो बाकी के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो हमारी ये कोशिश है कि एक बच्चा जब इंजेक्शन लगवा लेगा तो दूसरा बच्चा उसके पश्चात जाएगा, ताकि बच्चों को एक दूसरे के जो टीकाकरण के प्रोसेस में होने वाली अगर कोई दिक्कत है उसको देखकर घबराहट ना हो। तो हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 100% के करीब आज है, तो सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अंतर्गत हमने पूरा प्रबंध किया है और उम्मीद है कि जो भी हमारे 6ठी से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी हैं इन सबको आज दोपहर तक टीके लगवा दिए जाएंगे। बच्चों के अभिभावकों को हमने कॉल किया है, अगर हमें ये लगता है कि किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, ऐसी कोई शिकायत तो नहीं मिली है, तो हमने टीचर्स को ये कहा है कि तुरंत उन बच्चों के घर में फ़ोन करके उनके माता पिता को बुलाएं और उनकी देख रेख में इनको टीके लगवाए जाए। तो सरकार के द्वारा बहुत अच्छी कोशिश है और स्वास्थ्य विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।